हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करें हम BS4 की। तो BS4 सिस्टम जो कैसे काम करता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी कि BS4 जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे कंट्रोल करता है ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास होंडा की ड्रीम युगा है, तो ये BS4 है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या लगा होता है जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। तो गैस हर जो BS4 की जो बाइक होती है या गाड़ी होती है उसमें ये कैनिस्टर कंटेनर जरूरी लगा रहता है। तो इसमें चार पाइप्स होती है, दो ऊपर होती है, दो नीचे होती हैं। तो दो ऊपर वाली एक पेट्रोल टैंक में जाती है और एक जो है ये आपकी जो कार्बोरेटर में जाती है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये जो है जहाँ पर इसका कनेस्टर कंटेनर, तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ जो दो पाइप से अटैच हैं, तो ये जो वाली मेरे हाथ में जो पाइप है ये अभी फ्यूल टैंक से होकर आती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक के नीचे एक ऐसा लगा रहता है। तो गाइस होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपकी पेट्रोल की टैंक है उसके ऊपर जो इसका जो लोक होता है इसमें एक छेद होता है जो कि बेसिकली आपका जो पेट्रोल है उसके फ्लो को ऐसे रुकने नहीं देता। तो गाइस पेट्रोल के फ्लो को रुकने तो नहीं देता, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा जो पेट्रोल है वो उड़ जाता है इसका। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे धूप में अगर बाइक खड़ी हो तो इससे जो है पेट्रोल आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा देता होगा कभी कभी। तो एक्चुअली जो उड़ता हुआ जो पेट्रोल है इसको जो पाइप के थ्रू इस कैनिस्टर कंटेनर में डाला जाता है, और जो कैनिस्टर कंटेनर है कार्बन का बना होता है, इसमें जो वो आपका जो उड़ता हुआ पेट्रोल है वो इसमें ट्रैप हो जाता है। तो वो ट्रैप होने के बाद इस पाइप के थ्रू जो दूसरी वाली पाइप है इसके थ्रू जो जाता है आपके सीधा कार्बोरेटर में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरी वाली पाइप है सीधा कार्बोरेटर में जाती है, और कार्बोरेटर में जाकर ये सेम ऐसे ही जैसे आपका जो पीछे एयर का फ्लो आता है वैसे ही, इसके मैं नीचे आपको बताऊंगा एक एयर वाली पाइप भी होती है, तो सेम टू सेम इसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो सीधा आपके कार्बोरेटर में डाला जाता है। तो कार्बोरेटर के में जब ये डलता है तो इससे आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अच्छी होती है, और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो गाइस जब मैं इस कैनिस्टर कंटेनर को आपको खोल के बताता हूँ और इसके कनेक्शन वगैरह जो है सब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कनेक्शन होता है इसका। तो गाइस जब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक ओवरफ्लो की पाइप होती है जो कि बेसिकली आपके कार्बोरेटर के जैसे होती है, और ये जो साथ में है ये ब्रेथ पाइप होती है, इससे इसके जरिए जो हवा इसमें एंटर होती है जो कि इसको ऐसे अंदर जो ट्रैप हो जाता है इसको ब्लॉक नहीं होने देती। तो ऐसा ये नीचे दो पाइप से लगी रहती है। मैं इस कैनिस्टर कंटेनर को ऐसे आपको डिसअसेंबल करके दिखाता हूँ। तो क्या ये ऊपर वाली साइड है इसकी, एक साइड पे टैंक लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर्ज लिखा हुआ है। तो एक तो टैंक पे जाती है, दूसरी जाती है आपके कार्बोरेटर में। तो पर्ज का क्या मतलब है यहाँ पर, तो गाइस जो पर्ज का मतलब होता है हिंदी में शुद्ध करना। तो ये जो टैंक वाली पाइप के थ्रू जो पेट्रोल आपका है वो बीच में जाता है कैनिस्टर कंटेनर के, और इसमें जो है कार्बन का जो बना होता है और इसमें जो पेट्रोल है ट्रैप हो जाता है, उसके बाद जो है ये प्योर होके ये पर्ज पाइप के थ्रू आपके कार्बोरेटर में चला जाता है। तो इसके नीचे वाली दो पाइप में एक साइड पे जो एयर वाली पाइप है और दूसरी साइड ड्रेन वाली है। ये जो छोटी वाली पाइप है ये एयर वाली पाइप है, इसके थ्रू जो हवा इसके अंदर एंटर होती है, और दूसरी जो नीचे जो दूसरी वाली पाइप है ये बेसिकली ड्रेन बोलते हैं इसको। तो इसके थ्रू जो आपका जो पेट्रोल जिसमें ट्रैप हो जाता है उसके बाद जो भी बचता है वो इसके थ्रू जो है ड्रेन हो जाता है नीचे वाली पाइप के थ्रू। तो चलिए गाइस जब मैं इसको वापस से फिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर टैंक लिखा हुआ है वहाँ पर मैं टैंक वाली पाइप लगा दूंगा, और दूसरा जहाँ पर पर्ज लिखा हुआ है वहाँ पर मैं इसकी जो कार्बोरेटर वाली पाइप लगाता हूँ। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस सेम अभी जैसे नीचे वाली है, नीचे जहाँ पर ड्रेन लिखा हुआ है जो मैं अभी यहाँ पर रबर चढ़ गई है इसके ऊपर, तो यहाँ पर एयर लिखा हुआ वहाँ पर एयर वाली पाइप लगा देंगे। यहाँ पर ये छोटी वाली पाइप जो है ये एयर वाली है, और साथ में जो जहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेन तो वहाँ पर मैं जिसकी ड्रेन पाइप लगा देता हूँ। तो ऐसे ड्रेन पाइप को लगा के अभी मैं इसको वापस से फिट कर दूंगा जैसे कि मैंने इसको खोला था। तो ये कैनिस्टर कंटेनर को इसमें वैसे प्लेस कर देता हूँ जहाँ पर ये था पहले। तो गाइस किसी और बाइक में ये और जगह पर भी हो सकता है, लेकिन जो इसका कनेक्शन है वो सेम टू सेम ऐसा ही होगा। एक टैंक से आई होगी इसकी जो पाइप है, एक जो है कार्बोरेटर में जाएगी, और दो जो नीचे हैं एक उसमें एयर पाइप होगी और दूसरी जो है ड्रेन पाइप होगी। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।